उठ जाओ उठ जाओ बट रिएक्शन होता है no, I want to have more five minutes sleep, मुझे और पांच मिनट सोना है नहीं मुझे नहीं जाना यू नो आफ्टर आफ्टर यू गेट्स अप आप खड़े हो जाते हो बट फील बट ऑल्सो यू फील कि वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है जस्ट अ मिनट जस्टिस या सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत हमारी लाइफ में प्रेशर uh, होता है लैक ऑफ टाइम होता है और वो इसलिए होता है बिकॉज वी हैव लैक ऑफ प्लानिंग क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है उसमें लैक था देखिए आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर एंड इवन एवरी इट इज इट इज फॉर एवरी लाइक ऑल ऑफ वी हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ प्रेशर इन मॉर्निंग जब हम उठते हैं क्योंकि सब एकदम बहुत रश में हो रहा होता है यू नो टेकिंग केयर ऑफ थिंग बाथिंग ईटिंग फूड ईटिंग ब्रेकफास्ट यू

थिंक आई आई शुड टेक फाइव मिनट्स एक दिन पहले इवनिंग में और मैं ये सोचूं कि मुझे कल क्या पहनना है सो आई शुड आई आई थिंक आई हैव टू यू नो प्लान इन एडवांस मुझे ये करना होगा बिकॉज अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे थिंग्स वुड जस्ट गो Hey, huh? क्योंकि अगर आप प्लानिंग करते हैं आपको अपने आप को प्लानिंग कर जैसे एक दिन पहले हमेशा आपके प्लानिंग पॉइंट नंबर दैट यू शुड ऑलवेज प्लान इन एडवांस वन डे बिफोर आप एक दिन पहले प्लान plan करें प्लानिंग नंबर वन नेक्स्ट डे क्या पहनना है क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे लेट्स से are, आप एकदम से यू इट्स द मॉर्निंग टाइम एंड आप सुबह सुबह उठे हैं यू आर गेटिंग रेडी आपने से कपड़े निकाले सो so वट है जनरली यही होता है की शर्ट के बटन नहीं होते या कोई ठीक से हमारा ड्रेस जो आयरन नहीं होती बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हम सोचते रहते हैं पांच मिनट क्या पहने क्या पहने राइट सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू प्लीज वेल प्लान इन एडवांस कि मुझे कल क्या पहनना है यू प्लीज टेक फाइव मिनट्स थिंक एंड देन ब्रिंग आउट ऑल योर क्लोथ्स वन डे प्रायर एक इवनिंग पहले आप उन्हें निकाल के रखें कि कल मैंने ये पहना पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू आप एक इवनिंग पहले ही अपना बैग अगर आपने पैक करना है अपना जो भी आप बैग कैरी करते हैं उसको आप रेडी कर लीजिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट मिनट रेडी करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं राइट right? उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट इन एडवांस दैट अगर मेरे पास आई हैव टू आवर्स टू गेट रेडी मेरे सोकर उठने से लेकर मेरे घर छोड़ने तक का आई हैव ओनली टू आवर्स इस टू आवर्स को मैंने कैसे शेड्यूल करना है कैसे उसको मैनेज करना है कितने बजे उठना है कितने बजे ब्रश करना है कितने बजे बात करना है कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है कितने बजे मुझे अपना घर छोड़ना है सो इफ दिस प्लानिंग इज नॉट देयर सॉरी देन देयर इज लॉट ऑफ यही रीजन होता है मेनी टाइम्स वन आपकी प्लानिंग नहीं होती तो अक्सर ऐसा होता है प्रोफेशनल रीच देयर ऑफिस इज लेट बॉस से डांट पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारा मूड खराब होता है और कभी कभी हमारी जॉब पे चली जाती है बिकॉज ऑफ दीज रीजन ठीक है सेकेंडली अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको टीचर से डांट पड़ती है एंड वेन यू स्टार्ट योर डे विद नेगेटिव यू नो देन योर डे इज नॉट गुड सो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद ईज ईज कब होगी जब आप एक दिन पहले प्लानिंग कर लेंगे हर चीज की अपना टाइम का एक पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे कि दिस इज द टाइम और उस टाइम को मैंने कैसे मैनेज करना है उसका एक उसको फ्रेम कर लीजिए आप राइट right? So these these factors, these points are very, very important. So planning is one of the important factors in our life. So please start planning from today on, right now. Right? Because if you plan in advance, it is going to really help you. I'm I can assure you, 2000% it is going to help you, and your lives will, will become very easy if you will plan in advance. सच में तो so, सारी चीज और आपको मैंने आपको स्टेप्स भी बताए हाउ टू प्लान योर प्लान योर क्लोथ प्लान योर बैग आपने क्या लेके जाना है क्या करना है इवन इफ इफ आई टॉक अबाउट ऑल द फीमेल्स कुक फूड इन द मॉर्निंग प्लीज वो भी पहले से प्लान कर लीजिए कि हमें क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है क्या लंच में बनाना है कैसे टिफिन पैक करना है सो लॉट ऑफ थिंग्स सो आई थिंक वी शुड ऑल शुड प्लान इन एडवांस टू मेक आवर लाइफ हैप्पी इजी एंड कंफर्टेबल क्योंकि जब सुबह आपके पास प्रेशर नहीं होगा तो आपकी मॉर्निंग बहुत ही हैप्पी होगी इजी होगी बहुत ही अच्छी होगी सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई कीप यू नो शेयरिंग ऑल दीज पॉइंट्स विद यू इन ऑल माय सेशन सो थैंक यू सो मच हैव अ लवली इवनिंग बाय बाय